जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बहुत ही फेमस हिमाचली डिश बनाने जा रही हूँ और देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी होता है और इनका नाम है सिड्डू। आपने सिड्डू का नाम सुना ही होगा। जितने भी पहाड़ी एरिए आते हैं जहाँ पर मैक्सिमम बर्फ़ पड़ी रहती है, वहाँ पर ये सिड्डू जो है लोकल डिश है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सिड्डू बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे सोयाबीन के। ये सोयाबीन है, ये अपने खेतों की सोयाबीन है, इसलिए ब्लैक और वाइट कलर की है। अदरवाइज सोयाबीन जो है वो वाइट कलर की होती है। सोयाबीन को अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। अब उसको क्या करेंगे, हम ओवरनाइट तक पानी में भिगोने के लिए रखेंगे। कोई बंद ढक्कन का बर्तन ले लें, मैं डब्बा यूज़ कर रही हूँ, और उसमें मैं पानी डालूंगी, गर्म पानी। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि मैं इस वक्त मनाली में हूँ और मनाली का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, तो गर्म पानी डालेंगे तो ये आसानी से फूल जाएंगे और अच्छे से भीग जाएंगे। अभी हम इसको ढक्कन टाइट लगाकर बंद कर देंगे और साइड में रख देते हैं। सुबह देखेंगे कैसा क्या हाल है इनका। तो अभी सुबह हो गई है और आज धूप भी अच्छी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये अच्छे से भीग चुके हैं और दाने जो है काफ़ी पानी में रहने से मोटे मोटे हो गए हैं। अभी जब तक थोड़ी देर और धूप में रखेंगे, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो आटा जो है वो मैंने नॉर्मली आटा लिया है जो दुकान का होता है, और इसमें मैं ईस्ट यूज़ करूँगी। ईस्ट इसलिए यूज़ करना है ताकि जो है हमारा आटा अच्छे से फूल जाए। मैं 3 चम्मच ईस्ट के डाल रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ये आटा अच्छे से फूल जाना चाहिए। अब इसे हम नॉर्मली गूंथ लेंगे, जैसे हम घर का डेली का रेगुलर आटा गूंथते हैं। बस आटे में ईस्ट ही यूज़ करना है, बाकी हम नमक अजवाइन कुछ नहीं डालेंगे। तो अभी आटा गूंथ लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिश से रिलेटेड है जो हिमाचल की बहुत ही फेमस है, और मनाली में लोग बाहर से आते हैं तो टूरिस्ट को ये डिश बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये व्यवसाय भी है कि वो अपने सिड्डू बनाकर लोगों को खिलाते भी हैं और दुकानों में बेचे भी जाते हैं। तो हमारा आटा जो है मैक्सिमम हो गया है, बस थोड़ा सा और गूंथ लूँगी मैं इसको। और अभी जो है इसे प्लास्टिक के डब्बे में डालकर रख देंगे। आज धूप है तो मैं इसको धूप में रखूँगी, बिल्कुल नहीं ढकूँगी। हाँ, प्लास्टिक का कंटेनर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि धूप जो है इसमें अच्छे से हीट देगी। तो जब तक आटा होता है तब तक आप मनाली की ग्रीनरी देखिए। तो अभी दाल जो है हो चुकी है, अब हम इसे पीस लेंगे। मिक्सी का यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमें जब हम रोटी में डालेंगे तो दाल जो है वो सूखी सूखी चाहिए, तो हम ये दाल पीसने की मशीन होती है इसमें ही हम पीसेंगे दाल को। मेरी हेल्प यहाँ के लोकल लेडी कर रही हैं जिनसे मैंने ये बनाना सीखा है, और पहली बार ही मैंने बनाए हैं और खाए हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। तो दाल पीसने के लिए देखिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये मशीन खुद चलानी पड़ती है। एक हाथ से इसमें दाल डालनी पड़ती है और दूसरे हाथ से मशीन को चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे। मिक्सी यूज़ करेंगे तो उससे दाल जो है वो लिक्विड होगी और हमारा जो डो बनकर तैयार होगा वो लिक्विड होगा, लेकिन हमें लिक्विड बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ये सूखी सूखी दाल ही चाहिए। तो जब तक ये होती है तब तक मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुंडी में मैं थोड़ी सी मिर्ची पीस रही हूँ, इसमें अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे। आप इसमें अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं वो डाल सकते हैं, बादाम वगैरह। थोड़े थोड़े पीसने के बाद अब मैं मिक्सी में ही इसको अच्छे से दाल के साथ मिक्स करके पीस लूँगी। तो ये फाइनली हमारा जो मिक्सचर है वो पीस कर तैयार हो गया है। अब इसको जो है हम एक बर्तन में डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन के पत्ते हैं और साथ में हरा धनिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बर्तन में डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार। नमक थोड़ा सा तेज रखें क्योंकि ये आटे के बीच में डाला जाता है, तो आटे में नमक नहीं होगा तो फीका सा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा नमक तेज रखना है। और अब फाइनली मैं इसमें चॉप्ड लहसुन के पत्ते और धनिया ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक आपने मिक्स करना है जब तक आपको ना लगे कि ये मिक्स हो गया। और ये होता है पहाड़ी तंदूर, क्योंकि यहाँ पर जब भी बर्फ़ होती है तो तंदूर ही जलाए जाते हैं, ये चूल्हे का काम भी करता है तंदूर। और आटा देखते हैं, आटा हमारा आप देख सकते हैं कितना अच्छे से खिल चुका है, हो चुका है, इसका एक एक रेशा अलग हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगी कि इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तभी डो बन पाएगा और रोटी बना पाएंगे हम। तो फाइनली अब बनाते हैं सिड्डू। सबसे पहले पेड़ा लेना है, पेड़ा काफ़ी बड़ा लेंगे। ये दो सिड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं भी बनाऊंगी, मैं भी सीखूंगी कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो बड़ा सा पेड़ा लेते हैं आटे का, उसको रोटी की तरह बनाया जाता है। ये हाथ से काम होता है, इसमें बेलने की यूज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको आधी रोटी में फैलाएंगे और इस तरीके से बंद करेंगे। बंद अच्छे से करना है क्योंकि ये स्टीम्ड होते हैं, ये उबाले नहीं जाते हैं, तेल में फ्राई नहीं होते हैं, इसलिए स्टीम्ड के दौरान जो है ये अच्छे से फूलेंगे। अगर आपने इन्हें अच्छे से बंद नहीं किया होगा तो इसका सारा मिक्सचर जो है वो बाहर निकल जाता है। अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी डाल देते हैं, इससे क्या होता है कि कितना भी रोटी भूल जाए, ये सिड्डू भूल जाए, ये बिल्कुल भी इसका मिक्सचर बाहर नहीं निकलता है। बहुत ही इजी होता है, आप इनमें अखरोट के भी बना सकते हैं, कोई भी दाल डाल सकते हैं, चाहे वो चने की हो, उड़द की हो। हम सोयाबीन को डाल रहे हैं क्योंकि सोयाबीन बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बहुत ही टेस्टी, अलग सा टेस्ट देते हैं। तो ये दाल है, ये दाल मैंने इसमें मिक्स करके आधी में फैलानी है, थोड़ी सी स्पेस रहने देना है, उसके बाद फोल्ड करना है और इस तरीके से बंद करना है, फिर उसको डिज़ाइनिंग डालनी है। बहुत ही फेमस डिश है ये यहाँ के लोकल डिश, क्योंकि यहाँ के लोग जब भी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, बारिशें होती हैं, तो ये सिड्डू बनाए जाते हैं। और ये आप इसको स्टोर करके 3-4 दिन तक रख सकते हैं और 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। आप इसे चाहे ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, लंच में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें, ये हर टाइम के लिए परफेक्ट है। तो ये होता है पेड़ा, इतना बड़ा पेड़ा बनाया जाता है इसका, और इतनी बड़ी रोटी होती है। तो ये हैं सिड्डू। अभी तो इसे हमने 4 डाल दिए हैं, लेकिन आई थिंक कि 3 ही डालनी पड़ेंगी क्योंकि ये फूलेंगे तो फूलने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक भी जाएंगे। तो ये है मोमोज कंटेनर होते हैं, क्योंकि स्टीम्ड होते हैं ये, तो इसी में बनाए जाएंगे। इसमें पानी डालेंगे और इसके ऊपर 3 इन कंटेनरों को रखा जाएगा और स्टीम में ही बनेंगे। तो गैस में मैंने कंटेनर रख दिया है, स्टीमर। अब इसमें ये स्पेशल तरीका है कि आप जब भी बनाएं तो इसमें या तो नींबू डाल दें पूरा ही, या थोड़ा सा खट्टा डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि भाप के कारण, स्टीम के कारण बर्तन काले हो जाते हैं। अगर आप नींबू या खट्टा कुछ भी यूज़ करेंगे तो उससे जो बर्तन होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चमकते हैं जैसे अब हैं। अभी हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और कम से कम 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे वो जो स्टीम्ड सिड्डू हैं कैसे बने हैं। गैस को थोड़ी सी स्लो फ्लेम में रखना है। तो फाइनली हमारे सिड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये एक सिड्डू मैंने काटा है और इसके ऊपर ये देसी घी है, ये भैंस का देसी घी है तो ये वाइट होता है। ये देखिए हमारे सिड्डू स्टीम होकर कितने फूल गए हैं, और ये निकाल के रखा हुआ है एक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इनको खाने का तरीका होता है कि आप घी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, या हरी चटनी के साथ खाएं, खासकर अखरोट की चटनी के साथ भी खाया जाता है। तो ये हमारे बच्चे हैं जो खा रहे हैं, मेरा बेटा पहली बार खा रहा है और इसको पसंद भी बहुत आया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये तरीका भी अच्छा लगेगा, आप भी बनाएं और ज़रूर खिलाएं। ये मेरी बेटी को भी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने इसको बनाया है और खाया है। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।